बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में जल जीवन हरियाली योजना पर अपने पीठ खुद थपथपाने के बाद योजना की सच्चाई जानने खेगरामस के जिला सचिव जीवज पासवान, अध्यक्ष उपेंद्र राय, माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह, खेगरामस प्रखंड अध्यक्ष प्रभात रंजन गुप्ता और ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह की टीम गुरुवार को प्रखंड के रामपुर महेशपुर स्थित जल जीवन हरियाली पोखर जाकर योजना की तहकीकात की। तत्पश्चात सूचना से प्राप्त कागजात का अवलोकन करने के बाद खेगरामस जिलाध्यक्ष उपेंद्र राय ने कहा कि एक योजना को दो योजना बनाकर सरकारी फंड गबन करना प्रतीत होता है। 28 लाख रुपए से पोखर का मिट्टी उड़ाही कर भिंडा पर मिट्टी डाला गया तो फिर 48 लाख रुपए भिंडा भराई के नाम पर निकासी किया जाना पूर्णतः लूट को दर्शाता है। ठीक उसी तरह बाउंड्री वाल, सुरक्षा दीवार समेत अन्य योजनाओं में लूट किया गया है। राय ने बताया कि कार्य इतना घटिया स्तर का किया गया है कि अभी ही टूट फूट शुरू हो गई है। खेगरामस जिला सचिव जीवज पासवान ने बताया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी पर कार्रवाई नहीं की गई, फलतः इस मामले को पटना भेजकर भाकपा माले विधायकों द्वारा विधानसभा में उठाने की कोशिश की जाएगी। 4.25 करोड़ के करीब रुपया से जंगला है पोखर ताजपुर प्रखंड के रामापुर महेशपुर पंचायत का है, जिसमें जब पोखरा उराही के नाम पर 48 लाख रुपया उठाया ही गया तो फिर से भिंडा भराई के नाम पर 26 लाख रुपया उठाया गया, सुरक्षा दीवार के नाम पर लाखों रुपया उठाया गया तो बाउंड्री वाल के नाम पर उठाया गया, जबकि तमाम योजना जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, तमाम चीज अब टूट फूट रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर इसको लेकर के नीतीश जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन इस योजना में बड़े घोटाला है। इस घोटाला की जांच के लिए हम लोग जिलाधिकारी वीडियो का स्मार्ट पत्र दिए थे, यहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाकपा माले की, मनरेगा की और खेगरामस की जांच टीम है। खेगरामस के अध्यक्ष उपेंद्र राय, सचिव कॉमरेड जीवज पासवान हमारे बीच में आज जांच के लिए आए हैं। यहां से जांच करके राय विचार के बाद ये मामला विधानसभा में भेजा जाएगा। इसमें जैसा ये पोखर है, इस पर जो देख रहे हैं हम लोग चारों बगल से, वो सुरेंद्र जी सही कहे हैं इस बात को कि जब उराही हुआ तो उराही में फिर भराई कैसे हुआ, भराई हुआ तो फिर जो है ये मिट्टी कहाँ गया, इसका जो मट्टी जो निकाला गया वो मट्टी कहाँ गया, तो इसलिए इसे देखने को लग रहा है कि पूरे के पूरे जो कि हमने दिया भी 18 तारीख को जो है सो हमने आंदोलन किया था कि जिले के अंदर में हमने दिया था कि राज्य स्तरीय जो आंदोलन था उसमें हमने दिया है कि करोड़ों रुपया के मनरेगा के तहत जो है सो यहाँ घपला है, पूरे जिले के अंदर में घपला है। इस पर जांच होनी चाहिए और हम इसको कोशिश करेंगे कि विधानसभा में भी इस बात को उठाया जाएगा।